हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज जो भी मैं टोकन बताऊंगा आपको, वो कोई भी टोकन अभी आपको बिल्कुल खरीदना नहीं है, बिकॉज थोड़े दिनों तक मार्केट बहुत स्टेबल नहीं रहेगी और मार्केट में इतना बड़ा फंड जो बाइनेंस से रिलेटेड है वो बना हुआ है। दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको, ये हर कुछ सालों के बाद एक बड़े फट आते ही आते हैं। मार्केट को नीचे ले जाने वाले जो बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं, ये उनके कारनामे होते हैं। कोई पेड सर्विस यूज करके दूसरे को नीचे करता है, कोई कुछ भी यूज करके करता है, लेकिन उनका जो मकसद यही रहता है बड़ी बड़ी वेल्स का, कि ये जो है जो कुछ लोग हैं उनको नीचे लेके आया जाए, ताकि मार्केट उनके साथ ही नीचे आए। प्रेशराइज किया जाता है, मजबूर किया जाता है। जैसे जैसे बाइनांस का जो सीईओ है, सीजेड है, आज की डेट में बड़ा मजबूर हुआ पड़ा है। जैसे एक टाइम में एफटीएक्स था, उसने बड़ी जल्दी सॉरी बोल के हाथ खड़े कर दिए। आज के टाइम में वो जेल में बंद है, लेकिन जो बाइनांस, उसके थोड़ा सा अलग बिहेवियर है उसका। मुझे जैसा लगता है, कॉन्फिडेंट पर्सन है और अपने दम के ऊपर बनाया है। अभी हमें एक्चुअली ना बीएनबी टोकन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना। आज मैं आपके सामने कुछ टोकन डिस्कस करूंगा जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अच्छे इन द सेंस, क्योंकि अभी तक आपने डेक्स और वेब 3.0 या आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के टोकन्स का सबका दौर देख लिया है, और हो सकता है यू नो एनएफटी का भी दौर देखा आपने रिसेंटली डेज में। और आने वाले टाइम में जो हो सकता है, जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके टोकन्स का दौर आ जाए, बिकॉज इनके टोकन्स का जो टाइम है वो दौर है, अभी आया नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोकन्स का कभी भी दौर आता है तो कुछ टोकन है, मैंने केवल 5 लिए। मैं ज्यादा कंफ्यूज अपने आप को भी नहीं करूंगा और आपको भी नहीं करूंगा, क्योंकि यू नो सिलेक्शन और फिल्टर होना बहुत जरूरी है हमें अपनी यू नो लाइफ में भी, और अपनी जो जब हम कोई चीज चुनते हैं उसके अंदर भी। अगर हम चुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे टोकन मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उन टोकन्स को चुनना है जो काम कर रहे हैं, तो उन्हीं टोकन्स में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली में एक वीडियो भी बनाया था एजिक्स के ऊपर, बट आज मैं आपके सामने 5 टोकन लेके आया हूं, और वो 5 टोकन्स यू नो फिल्टर्ड हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं आज की डेट में। और अगर उनके काम को देखा जाए, सारे के सारे यू नो ये समझ लो कि कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक टोकन लेते हैं जिसका नाम है ओशियन प्रोटोकॉल। ये मैंने नंबर 1 की लिस्ट में लिया है आज की डेट में, क्योंकि इस टोकन का मैं थोड़ा सा यूज केस भी बताऊंगा, थोड़ा सा प्राइस। मकसद ये है कि आपको इस टोकन के बारे में बताना, कि ये टोकन अपनी नजरों में रखना है आपने। मैं ये नहीं कह रहा आज इसकी इन्वेस्टमेंट करनी है, आज अभी कोई टाइम नहीं आया। ऑफ कोर्स जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये टोकन नॉर्मल वे में ऊपर जाएंगे, कोई 50x ऊपर जाएगा, कोई 40x, कोई 10x, कोई 20x इस जाएगा। लेकिन इन केस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ जाता है, तो इनमें से ही कुछ टोकन या ये सारे के सारे टोकन जो मैं बता रहा हूं आपको, ये टॉप लेवल के ऊपर जा सकते हैं। बिकॉज मेटावर्स का जब टाइम आया था, आपको पता था, जो काम भी नहीं कर रहा था प्रोजेक्ट, जिसका कुछ भी नहीं आया था, वो उस प्रोजेक्ट ने भी 100x इजीली दे दिया था, वो भी कुछ ही हफ्तों, मतलब कुछ ही दिनों में, मतलब 3-4-5 दिन के अंदर ही ना, जब फेसबुक का एक यू नो अनाउंसमेंट आया था, उसके बाद जो मेटावर्स के सारे टोकन थे, ब्लॉक को भी आपने देखा होगा, 2-3 दिन में उसने 50x, 24x, 36x आराम से दे दिया। तो सबसे पहला जो हमारा टोकन है उसका नाम है ओशियन प्रोटोकॉल। ओशियन प्रोटोकॉल क्या काम करता है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं, और अगर आप कहोगे तो मैं पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा इनके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओशियन प्रोटोकॉल का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज केस है कि वो डाटा को लेके ब्लॉकचेन के साथ जोड़ता है। मतलब किसी भी तरह का डाटा हो, मतलब समझ लो कि मेरे लिए कोई डाटा है, कि जैसे मेरे लिए मैंने कौन सी टी शर्ट डाली हुई है और मैंने कौन से जूते डाले हुए हैं, जैसे एक इंसान का डाटा होता है, वैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं
हो सकता है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो और या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, उस डाटा को वो स्टोर कहाँ पे करता है, ब्लॉकचेन के ऊपर करता है, मतलब किसी भी तरह के डाटा को जोड़ता है ब्लॉकचेन से, ठीक है। अब ब्लॉकचेन से जोड़ के क्या फायदा उसका, तो मैं ये बता दूं, जैसे किसी पर्टिकुलर एक इंसान का डाटा है और इंसान से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं तो वो ब्लॉकचेन पे स्टोर करता है, ठीक है, और उसको सुरक्षित भी करता है। उसके अलावा जब भी उस डाटा का यूज होता है, मतलब कहाँ पे यूज होता है, समझ लो कि एक क्रिप्टो करेंसी का डाटा या एक क्रिप्टो एक्सचेंज जो का भी एक टोकन का डाटा है, वो उन्होंने ब्लॉकचेन के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब उस टोकन या उस प्रोजेक्ट या उस इंसान का भी कभी भी वो डाटा यूज किया जाएगा, कहाँ पे यूज किया जाएगा, समझ लो एक टोकन का अगर लेते हैं तो डीफाई एक्सचेंज के अंदर अगर उसका यूज होता है, डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज बैंकिंग में उसका यूज होता है, या डेक्स में यूज होता है, या डाओ ऑटोमेशन में यूज होता है, या वेब 3.0 में किसी भी प्रोडक्ट जो क्रिप्टो से रिलेटेड है उसका यूज होता है, ठीक है। तो उसका यूज होता है, जैसे उसका यूज होगा तो उस जो उस डाटा का ओनर है तो उस डाटा का ओनर को भी रिवार्ड जाएगा, नंबर एक। दूसरा, जो ओनरशिप को सेव मतलब सुरक्षित करते हुए वो उसके अंदर फॉर लॉन्ग टर्म उसको रिवार्ड मिलता रहेगा, जनरेट होता रहेगा, और किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी लीक नहीं होगी, मतलब प्राइवेसी बनी रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई ये किसका डाटा और कहाँ से आया है और इसको रिवार्ड कितना मिल रहा है। तो इसके ऊपर काम कर रहा है और ऑटोमेटिकली काम करना है, मशीन लर्निंग के द्वारा ये इस चीज को अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं, ओशन प्रोटोकॉल का प्राइस जो चल रहा है 0.15 चल रहा है, ठीक है, 15 सेंट। और अगर देखा जाए तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो $1 था, मतलब 15 के 90, मतलब 12-13 एक्सिस डाउन है ये। और इसका जो मार्केट कैप है 65 मिलियन है और सर्कुलेटिंग 434 मिलियन के आसपास हो गया। और इसका जो टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई मतलब 1.5 बिलियन के आसपास है, ठीक है। तो इस टोकन के ऊपर नजर इसलिए बनाने के लिए कह रहा हूं, नंबर एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टोकन है, नंबर दो ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, हमेशा उस टोकन में पैसा नहीं लगाना जो जिसकी मार्केट कैप, कुछ लोग मार्केट कैप देखते हैं, वो देखते चले जाते हैं, वो कहते हैं ओहो इतनी कम मार्केट कैप, जब ये थोड़ा सा भी उठेगा तो इतना हो जाएगा। दोस्तों ओशियन प्रोटोकॉल का जो प्राइस है 0.15 सेंट चल रहा है, तो 0.15 जो सेंट है वो बहुत ही नॉर्मल प्राइस है आज की डेट में। मार्केट कैप अगर देखे जाए तो 65 मिलियन के आसपास मार्केट कैप है और 1.5 बिलियन के आसपास इसका जो टोटल मैक्सिमम जो सप्लाई है। और इसके अलावा देखा जाए तो सर्कुलेशन में 434 मिलियन है, मतलब सर्कुलेशन में काफी टोकन अभी आने बाकी है और वो धीरे धीरे आते जाएंगे। इसका टोकनोमिक्स तो मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा अभी, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगर आप सेपरेट से बोलोगे तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो मतलब ऑलमोस्ट $2, 7 सेंट ही कम था $2 से, तो ऑलमोस्ट $2 गिन लेते हैं तो 96, तो ऑलमोस्ट 16 एक्सिस डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट अभी नहीं, हो सकेगा, बिकॉज आपको पता है कि बाइनेंस का फंड चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भी इसको बाय नहीं करना, बट इसको देखते रहना, कभी भी अच्छी मतलब 10 सेंट से नीचे कभी कोई डील मिलती है तो फर्स्ट पार्ट आप बाय कर सकते हो, ठीक है। दिस इज नॉट माई फाइनेंशियल एडवाइस, बट जो भी है आप समझ जाना। तो ओशियन प्रोटोकॉल नंबर 1 पे रखा है। हमारा जो दूसरा जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है FET, Patch.ai, ये भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। और बेसिकली करता क्या है, देखो मैं एक बार एक रोबोटिक का जो म्यूजियम में गया था और उसके एक फेयर में भी गया था, मैं इवन अपने बच्चे को भी लेके गया था उसको दिखाने के लिए कि रोबोट्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो मैं वहां पे किसी से मिला और जो मेरा फ्रेंड था वो जिस कंपनी में जॉब करता था, तो वो कंपनी
का जो मकसद क्या था, वो करती भी थी ऑटोमेटिकली, वो कंपनी करती क्या थी, वो कंपनी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में, और वो जगह जगह मतलब वर्ल्ड वाइड ऑर्डर्स लेते हैं। किसके लेते हैं? होम सिक्योरिटी के, होम सिक्योरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें डर लगता है कि घर में कहीं चोर तो नहीं आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो खिड़की खुली रह जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी ऐसा डर लगता है ना कि कहीं ऐसा नहीं कोई पानी का नल खुला रह गया हो, कभी गैस ऑन तो नहीं हो गया हो। तो दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं कि वो कंपनी क्या काम करती थी। वो कंपनी एक ऐसा पैकेज देती थी, एक ऐसे सॉफ्टवेयर एड ऑन कर देती थी आपके खिड़की दरवाजों पर्दों और लाइट के साथ और टीवी के साथ, सारे इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है और जो भी गैस चूल्हा, सबको एक बहुत मतलब एक अच्छे स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर देते थे। तो उसका क्या था, जैसे ही रात होगी 7 बजेंगे तो ऑटोमेटिकली खिड़की दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है, या ऐसे इन मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। और अगर 3 दिन से ज्यादा मतलब ऑटोमेटिकली वो जो सॉफ्टवेयर है पहचान लेगा कि घर में कोई ह्यूमन है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ह्यूमन नहीं मिलता तो ऑटोमेटिकली पर्दे अपने आप ही बंद हो जाएंगे, लाइटें बंद हो जाएगी रात को। और अगर 3 4 1 2 दिन के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है घर के अंदर, तो वो घर घर जो है अपने आप ही लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब भी इनका जो ओनर आएगा सामने तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो इस तरह से इकोसिस्टम बहुत बड़े बड़े लोग अपना रहे हैं, और आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां और ज्यादा इस चीज में आएंगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, दुबई में काफी सारे ऐसे म्यूजियम है, ऐसे टूरिज्म प्लेस हैं जिसके अंदर 7 बजते ही सारे फव्वारे ऑन हो जाते हैं, और उनका जो जो लोग उनको देखने आते हैं, या ये सब ये चीजें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है दोस्तों, कि 7 बजे ऑटोमेटिकली सारे फव्वारे चलने लग जाएंगे और 10 बजे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। ये सब सॉफ्टवेयर है और टाइम के साथ बाउंड होते हैं और ऑटोमनस इकोसिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, मतलब रोबोटिक इंटरफेस के साथ जुड़े होते हैं। तो उस चीज के ऊपर मतलब एक आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, फेच डॉट आई ए आई जो है, FET टोकन जिसका है, वो इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये यूज केस जो है बढ़ाएगा और बढ़ा रहा है, और कितना बढ़ा रहा है इसके इकोसिस्टम को और समझने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा। बट ये वीडियो मैं थोड़ा छोटा बनाना चाह रहा हूँ दोस्तों, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये जो इकोसिस्टम है आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है, अगर सेम टू सेम इस ये काम को कर रहा है। और आने वाले टाइम में अगर सिक्योरिटी को देखा जाए या ऑटोमेशन को देखा जाए तो फेच डॉट एआई बहुत जबरदस्त काम करेगा आने वाले टाइम में। तो इस टोकन को भी अपने माइंड में रखना कि भाई ये टोकन के ऊपर नजर रखनी है। अगर देखा जाए मार्केट कैप तो 60 मिलियन ही है इसका, ज्यादा नहीं है, 1 बिलियन भी नहीं है या 100 मिलियन भी नहीं है, केवल और केवल 60 मिलियन है। ये मिड कैप के अंदर मैं इसको देखता हूं, और मैक्सिमम सप्लाई इसकी समझ लो कि 1 ही बिलियन है, इससे ज्यादा नहीं आएगी, और टोटल जो सप्लाई है वो भी 1 बिलियन है। सर्कुलेशन में 688 मिलियन। तो दोस्तों मतलब 50% से ज्यादा ये ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये टोकन ऑल टाइम हाई इसका देखा जाए तो $1.17 गया था, ऑल टाइम लो से 9 गुना ऊपर है। तो ये जो टोकन है ऑल टाइम हाई से 14x डाउन है आज की डेट में, ठीक ठाक डाउन है लेकिन इतना भी डाउन नहीं है। काफी सारे जो टोकन है जिनका यूज केस नहीं है या जिनका यूज केस है 50x तक वो डाउन है आज की डेट में, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका इनका अपना भी ब्लॉकचेन है, और आप इसका ब्लॉकचेन भी देख सकते हो, वेबसाइट देख सकते हो, और भी कुछ समझना हो तो आप मैं आपको इसका एक फुल वीडियो दे दूंगा ताकि आप इसको और ज्यादा तरीके से समझ सको, ठीक है।
तो सिंगुलैरिटी नेट, इसको एजिक्स टोकन भी कहते हैं, ये हमारा थर्ड टोकन है। ये बेसिकली काम क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो काम कर रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन डैप बोलते हैं, इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डैप के ऊपर काम कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा दोस्तों, इसके अलावा इनकी ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो तरह तरह के सॉफ्टवेयर मिलेंगे आपको, उन सॉफ्टवेयर को यूज करके। इवन एक जैसे एक लड़का बोल रहा है तो सेम टू सेम वैसी आवाज का एक रोबोटिक वॉइस बना के आप उसको भी उसका एक वीडियो भी बना सकते हो। काफी चीजें उसका यूज केस, मतलब एक ही नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर कई है अलग अलग तरीके से। जैसे जैसे एक समझ लो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के अंदर आपने देखना कि एयर का दबाव कितना है, या कुछ भी ऐसे इकोसिस्टम आपने चेक करने हैं, तो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनी हुई है जिनको यूज करके आप बहुत सारी चीजों का जो नॉलेज ले सकते हो, ठीक है, और उसको अपने बिजनेस में भी यूज कर सकते हो। वो ऑलरेडी इनका मार्केट प्लेस भी है और ये लोग तरह तरह की एप्लीकेशन के ऊपर काम भी कर रहे हैं। और मार्केट प्लेस जो है इनका आने वाले टाइम में ग्रो अगर कर गया तो इसका जो टोकन का जो रेट है आप सोच नहीं सकते कितना होगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा इनकी जो पार्टनरशिप है हैंसन रोबोटिक के साथ है, हैंसन जो रोबोटिक है उसने जो बनाया था सोफिया रोबोट, जो सबसे नंबर वन का जो इंटेलिजेंसी जो सोफिया रोबोट्स आपने सुना होगा, उसके साथ इनकी पार्टनरशिप है, उनकी जो कंपनी जिन्होंने बिल्डअप किया था। और मुझे ऐसा लगता है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टोकन्स ने ग्रो किया तो सबसे पहले ये टोकन ग्रो किया था। अभी रिसेंटली में इसने ऑलरेडी 100% से ऊपर रिटर्न दिया है, और जैसे मैंने एक इसका जो पर्टिकुलर इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, इसके वीडियो बनाने के मतलब हफ्ते 10 दिन के बाद ये टोकन ने 100% रिटर्न मेरे सामने दिया है। सारे टोकन डाउन थे, केवल एक एजिक्स टोकन टॉप पे चल रहा था उस टाइम। अभी देखा जाए तो कि इसके मैक्सिमम सप्लाई 2 बिलियन है, 2 बिलियन, और इसका जो सर्कुलेशन में 1 बिलियन से भी ज्यादा है, मतलब 50% से भी ऊपर इसका सर्कुलेशन है ऑलरेडी है मार्केट में, और 50 मिलियन के आसपास इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों। बहुत अच्छा टोकन हो सकता है ये आने वाले टाइम में। ऑल टाइम हाई $1 भी नहीं गया और ऑल टाइम लो से 4 गुना अप है, ठीक है, और $1 भी नहीं गया तो समझ लो इसने 25x की पोटेंशियल अभी के हिसाब से यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम इसका इकोसिस्टम ने ग्रो किया या कोई ऐसी चीज आ गई मतलब मार्केट में, जैसे वेब 3.0 का दौर आया था या आएगा, या मेटावर्स का दौर आया था, उस एग्जांपल को ले लेते हैं, तो मेटावर्स की तरह ये भी बूम कर जाएंगे। मुझे ये लगता है कि एजिक्स टोकन में जो पोटेंशियल जो दिख रही है उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टोकन है वो लेते हैं रोबोनोमिक्स नेटवर्क। ये दोस्तों बहुत ही पुराना नेटवर्क है, इसका जो काम है ये उसके ऊपर काम कर रहा है कि जो ह्यूमन टू मशीन और मशीन टू मशीन, इन सबको IoT डिवाइसेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलाकर ये ऐसे प्रोग्राम रेडी कर रहा है जो किसी भी चीज को रोबोटिक इकोसिस्टम के साथ जोड़े। मतलब एक कंपनी है, जैसे कंपनी में सारी चीजें ऑटोमेटिक करना चाहता है कोई भी इंसान, तो इनकी ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशन को यूज करके किसी और छोटी मोटी जो भी है, छोटे रोबोट्स, बड़े रोबोट्स, बड़ी मशीन्स को कुछ कमांड्स देके, मतलब कमांड्स चाहे वो इंसान के द्वारा दी गई हो, चाहे वो मशीन टू मशीन के साथ मतलब मशीन को जोड़ के दी गई हो, तो वो उनको रोबोटिक इकोसिस्टम को रेगुलर एक तो अपडेट करने में हेल्प करता है, और मशीनें अपने आप ही वो सिस्टम को यूज करके सॉफ्टवेयर डैप या कुछ भी कह लीजिए रोबोटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को यूज करके वो मशीन्स ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये जो रोबोटिक मशीन्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली कंपनीज में काम करती है, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी जैसे वो काम कर रही है तो इनका जो इनका काम होता है ना वो थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है। मतलब समझ लो कि जैसे यहाँ पे ऐसे से हाथ जा रहा है,
तो इसके ऊपर जो टाइमिंग है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उनको अपडेट करने के लिए भी ऑटोमेटिक अपडेट करने के भी सॉफ्टवेयर है। मतलब थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, जो टाइम का कुछ अंतर ज्यादा होने लग जाएगा, तो वो अपने मशीन्स अपने आप को वो अपडेट कर लेगी और वो सेटलमेंट अपने आप हो जाएगी। तो ये जो मशीन्स के लिए काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी हो चुकी है और बहुत सारी यूज भी हो रही हैं। बहुत सारे एक आयरा करके है, एक इनका जो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो आयरा लैब्स का जो प्रोजेक्ट है ये, और आयरा लैब्स जो करती है रोबोट्स के ऊपर काम करती है, मतलब एटोमोनस इंटेलिजेंस रोबोट एजेंट, तो रोबोट्स के जो सॉफ्टवेयर्स के लिए काम करते हैं, और ये सारे के सारे जो मतलब इकोसिस्टम एक सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ा हुआ है, जो आरओएस, मतलब इनके जो डेवलपर हैं और जो इनके जो इन्वेंशन है, जो करते हैं इन्वेंशन करते हैं, जो डेवलपर ही कह सकते हैं उनको, तो डेवलपर्स हैं वो एक पर्टिकुलर आरओएस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। जो आरओएस सॉफ्टवेयर होता है एक्चुअली रोबोटिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके ऊपर काफी काफी लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं। रोबोनॉमिक्स भी उसके ऊपर काम कर रहा है, और 120 से भी ऊपर, मतलब काफी सारी एप्लीकेशन में भी मोर एप्लीकेशंस ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है और यूज हो रही है इकोसिस्टम में। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा इकोसिस्टम, ये छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, और कहीं ना कहीं ये वो बहुत अच्छा जा सकता है। बिकॉज ऑफ मार्केट डाउन है तो ये भी डाउन है, सप्लाई मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा है, टोटल जो सप्लाई दिख रही है मैक्सिमम तो दिखाई नहीं गई, देखते हैं कहीं और देखेंगे मैक्सिमम अगर मिलेगी तो, लेकिन 9 मिलियन ही यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, और मार्केट कैप केवल केवल और 2 मिलियन ही है। तो देखा जाए तो दोस्तों रोबोनॉमिक्स का जो मार्केट कैप है बहुत ही ज्यादा कम है, और पोटेंशियल तो काफी दिख रही है इस प्रोजेक्ट में, लेकिन बिल्कुल भी बाय नहीं करना। हो सकता है, देखो ये इसने डाउन मारा है आज की डेट में, तो और भी डाउन जा सकता है बिकॉज ऑफ जो फड है ऑलरेडी जो बाइनेंस का है उसकी वजह से। तो अभी नहीं खरीदना, आंखों के आगे रखना है, रेट को चेक करते रहना है, जब भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोस्तों उसमें एंट्री करनी है, थोड़ी सी करनी है लेकिन ज्यादा नहीं करनी, बट कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट भी आपको बहुत अच्छा एक फायदा दे सकता है। इसके बाद एनएमआर टोकन है, तो एनएमआर टोकन जो है था, इसका यूज केस क्या है, इसका यूज केस तो मैं बताता हूँ, भी डिस्कशन करता हूँ, उससे पहले इसकी मैक्सिमम सप्लाई बता रहा हूँ आपको, 11 मिलियन है। आपको पता है 11 मिलियन बहुत ज्यादा कम होता है, और इसका जो 76 मिलियन के आसपास इसका टोटल जो मार्केट कैप है, और जो सर्कुलेशन है मोर देन 50% ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर इसका ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 93 सेंट, तो 12 6 मतलब 6-7 गुना ऊपर नीचे है ये ऑल टाइम हाई से। तो अभी तो कोई मैं अपॉर्चुनिटी नहीं समझता इसमें, बट आने वाले फ्यूचर में हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली क्या करता है, ये हेज फंड रिलीज करता है, और हेज फंड जो होता है एक पूल होता है, जो जिस पूल के अंदर बहुत सारा बड़ी बड़ी कंपनीज का पैसा होता है, उस पूल को मैनेज करता है, और उस पूल में से कुछ फंड है वो कुछ स्मार्ट पीपल्स को देता है, और उनको अपने जो जो सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सॉफ्टवेयर है उससे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, उनसे ऐसी ट्रेड करवाने की कोशिश करता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो वो ट्रेड से वो लोग हेल्प से वो पैसा कमाते हैं, जो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं वो लोगों को ये वाला टोकन ये कंपनी देती है। इस टोकन का जो मार्केट कैप है ठीक ठाक दिख रहा है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि 76 मिलियन मार्केट कैप इसका कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, अगर 50 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो, लेकिन वही चीज मैं बोलूंगा दोस्तों, अभी फंड चल रहा है बाइनांस का, अभी बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन डायरी में अच्छी तरह लिख लेना इन टोकन्स को, मैं जो 5 टोकन मैंने आपको बताए मैं इनको अपने जो लिस्ट है दोस्तों, अगर आप लिस्ट की बात करते हो, लिस्ट अगर चाहिए
तो मेरा जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद आप उसके मेरे टेलीग्राम के अंदर केवल ये लिखना है, आपने जेम लिस्ट करके लिखना है, और लिस्ट आपके सामने होगी, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई वीडियो इससे रिलेटेड अगर आपने पूरा वीडियो बनवाना हो तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोकन के ऊपर, आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ गुड वन एंड टेक केयर, बाय बाय।